हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 का नाम है कॉग्निशन। कॉग्निशन के अंदर तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज। एक यहाँ पे स्टोरी दी हुई है इन्होंने चैप्टर शुरुआत में, और ये स्टोरी है एक पैरट की जिसका नाम था एलेक्स। एक अफ्रीकन ग्रे पैरट है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ये पैरट जो था ये थोड़ा सा बाकी पैरट से काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट था। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब में देखी है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी नीचे, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। कि ये जो पैरट था, ये जो इसका जो ओनर था या जो इसकी रिसर्चर आप समझ लो, जो जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की थी, डॉक्टर इरीन पेपरबर्ग है उनका नाम, उनकी कहीं भी बातें समझ के उसका जवाब दे पाता था जो वो पूछती थी। ऑब्वियसली वो थोड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती थी इससे बात करने के लिए, तो वो जो भी बात करती थी वो इसका जवाब दे पाता था। और वो नॉर्मल बात नहीं, वो उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी पूछती थी, जैसे चीज़ों के बारे में, चीज़ों के नाम, चीज़ों के कलर, चीज़ों के काउंट, शेप, इस टाइप की चीज़ें। तो नॉर्मली जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाता था अपने ओनर के साथ। तो इसके ऊपर काफ़ी सालों स्टडी करा था इन्होंने, डॉक्टर इरीन पेपरबर्ग ने काफ़ी रिसर्च करी थी एलेक्स के ऊपर कि इस तरीके से इसकी जो कॉग्निशन की एबिलिटी है, समझ के सोच के जवाब देने की, बात करने की, ये इतनी ज़्यादा हाई कैसे है नॉर्मली जो बाकी पैरट्स या बर्ड्स होते हैं उनसे। तो इसलिए इस पैरट को जो है काफ़ी ज़्यादा एक स्मार्ट पैरट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट था बाकी पैरट्स में और इसकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। तो इसके बारे में इसकी जो स्टोरी है या इसकी जो वीडियोस है आप ज़रूर देखना, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कॉग्निशन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे इसकी बात क्यों की हुई है। तो आगे चलते हैं, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले थिंकिंग से स्टार्ट करेंगे। थिंकिंग क्या होता है? व्हेन जब भी हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं अपने माइंड में, और थिंकिंग नॉर्मली सब करते हैं, हमेशा ही करते हैं, कुछ ना कुछ हम सोच रहे होते हैं, और कॉग्निशन के अंदर ही थिंकिंग आता है। और कॉग्निशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग जो है होता है टू नो। टू नो कॉग्निशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू नो, और थिंकिंग उसमें से एक, कॉग्निशन के अंदर जो तीन प्रोसेसेस होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, उसमें से एक प्रोसेस है थिंकिंग। तो थिंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉर्मली सभी करते हैं और हमेशा ही करते हैं। और अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो कॉग्निशन के अंदर क्या आता है? कॉग्निशन एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है दैट गोज ऑन इन द ब्रेन When a person is processing information, जब भी हम कोई information process कर रहे हैं अपने brain के अंदर, तो उसको हम cognition बोलते हैं। Processing का मतलब क्या होता है? कि हम कोई information organize कर रहे हैं, understand करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ communicate करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं cognition के अंदर। Thinking includes memory also, thinking के अंदर memory भी आती है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, अपनी memory से retrieve करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब thinking में आ जाती है। सो थिंकिंग ऑल्सो इंक्लूड्स मोर देन जस्ट अ वर्बल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आगे पढ़ते हैं इसमें, मेंटल इमेजरी की बात कर रहे हैं पहले। मेंटल इमेजरी क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ की अपने माइंड में मेंटल इमेजेस बनाते हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो मेमोरीज आर इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एज विजुअल इमेजेस, ऑल्सो एज विजुअल इमेजेस, फॉर्मिंग अ मेंटल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो चीज़ हमने अपने सामने देखी है या जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं उसके बारे में जब हम दोबारा कभी बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक मेंटल पिक्चर बन जाती है उसके बारे में। तो वो जो मेंटल पिक्चर हमारे माइंड में बनती है किसी भी वर्ड को सुन के, जैसे आपने वर्ड सुनी कार, तो आपके माइंड में कार की पिक्चर बन जाती है। अगर स्पेशली कोई एक कार बोली जाए, आपको बोला जाए कि आपको एक कार, पर्टिकुलर कोई कार इमेजिन करनी है, जैसे आपको बोला कि आपने सेंट्रो कार, तो आपके माइंड में एक उसकी पिक्चर सी बन जाती है कि सेंट्रो कार, तो उसको बोलते हैं मेंटल इमेजेस। तो रिप्रेजेंटेशन दैट स्टैंड इन फॉर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, इवेंट्स की भी होती है, जैसे आपको कोई बोला जाए कि आपको वो बर्थडे पार्टी याद है, तो आपको उस बर्थडे पार्टी की कुछ कुछ इमेजेस आपको याद आने लगती हैं, तो वो सारी मेंटल इमेजेस होती हैं। तो मेंटल इमेजेस के ऊपर यहाँ पे कुछ स्टडी की हुई है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। गेट सेवरल पीपल टुगेदर एंड आस्क देम टू टेल यू एज फास्ट एज दे कैन हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन प्लेस दे लिव। अब इसको चेक करने के लिए वो कह रहे हैं
कि आपने अगर देखना है कि मेंटल इमेजेस किस तरीके से काम करती है, तो आप कुछ लोगों को बुला के लाओ और उनसे सबसे पूछो कि आप याद करके बताओ आपके घर में कितनी विंडोज हैं। तो आप सब नोटिस करोगे कि वो थोड़ी देर क्या करेंगे, वो एक जगह पे अपनी अटेंशन फोकस करके या आंखें बंद करके सोचेंगे, अपने घर की मेंटल पिक्चर बनाएंगे। और वो अपने घर की मेंटल पिक्चर जब बनाएंगे तो वो याद करेंगे कि पहले एंटर करते ही वहाँ पे विंडो है, फिर अंदर जाके पूरा अपने घर में एक तरीके से वो अपने माइंड के अंदर ही अपने घर के अंदर पूरा वो घूमेंगे और हर कमरे में जाके विंडोज़ काउंट करेंगे और फिर बताएंगे कि इतनी विंडोज़ है। और जिसके घर में कम विंडोज होगी वो जल्दी बता पाएगा, जिसके घर में ज्यादा होगी वो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरा घर एक बार अपने माइंड में घूम के विंडो काउंट करेगा। तो वो ऐसे होता है जैसे एक्चुअली में आप घर में घूम रहे हो। अब आप खुद अपनी आंखें बंद करके, अगर जहां आप किसी कमरे में बैठे हो वहीं पे आंखें बंद करके आप ये याद करने की कोशिश करो कि आपके घर में कितनी विंडोज हैं, या कितने डोर्स हैं, या कितनी अलमीराज हैं। तो अब वहीं पे आप क्या करोगे, शुरू से एंटर करते हुए हर एक रूम में जाओगे और काउंट करोगे। तो जितना बड़ा जिसका घर होगा या जितनी ज़्यादा डोर्स होंगे विंडोज, उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, जैसे एक्चुअल में आप चल के जाने में टाइम लगाते हो। तो इस तरीके से मेंटल इमेजेस भी काम करती हैं। तो रिसर्चर्स ने भी यही बोला था कि इट टेक लॉन्गर टू व्यू मेंटल इमेज दैट इज लार्जर, उसको देखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है इमेज को जो एक्चुअली में लार्जर होती है। और मेंटल इमेजेस क्या करती है, एक तरीके से एक मेंटल मैप बना देती है माइंड में, लोगों के माइंड में एक मेंटल मैप क्रिएट कर देती है किसी भी जगह का। इन वन स्टडी, अब वो जो स्टडी की मैं बात कर रही थी, पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू लुक एट अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी आइलैंड। तो पार्टिसिपेंट्स को बोला था कि ये आइलैंड है, ये एक इमेजिनरी आइलैंड है, इसको याद करो, इसको देख के याद करने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये एक घर है, ये कुआं है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक पेड़ है, और ऐसे ये आइलैंड है। इस तरीके से इनको बोला था, ये इसकी पिक्चर आप देखो और इसको अपने माइंड में याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद उनको वो जो लैंडमार्क्स थे वो याद करवा दिए थे कि हट है, लेक है, ग्रासी एरिया है जहाँ पे ग्रास है, और ये सब मेमोराइज करा दिया। उसके बाद उनको बोला कि अपने माइंड में अब उनको ये चीज़ इमेजिन करनी है कि वो यहाँ से अपने घर से निकल के पेड़ के पास गए हैं, ठीक है, एक बार ये बोला उनको। फिर उन्होंने टाइम नोट किया कि उन्होंने कितना टाइम लगाया ये चीज़ एक्चुअली में इमेजिन करने में, कि एक्चुअली में वो वहाँ पे हैं, खड़े हुए हैं, और वो वहाँ पे चल के जा रहे हैं पेड़ के पास, जैसे हम मेंटल इमेज बना रहे थे घर की, उस तरीके से। फिर उनको बोला कि आप नेक्स्ट उसमें इमेजिन करो कि आप इस घर से कुएं के पास गए हो जो घर के पास ही है। तो ऐसे उन्होंने जब एक्ट करवाया, उनको मेंटल इमेजेस माइंड में बनवाई, तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि जितना फिजिकली डिस्टेंस उसमें दिख रहा है उतना एक्चुअल में वो टाइम लगा रहे थे वहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि ये जो पेड़ है यहाँ से दूर है, तो यहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो अपनी मेंटल इमेज में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। और जो ये यहाँ पे कुआं बना हुआ है, ये घर से पास है, तो वो मेंटल इमेज में भी वहाँ जल्दी पहुँच रहे थे। तो कहने का मतलब ये, ग्रेटर द फिजिकल डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन टू लोकेशन, द लॉन्गर इट टुक पार्टिसिपेंट्स टू स्कैन द इमेज फॉर सेकेंड लोकेशन। तो जितना टाइम, जितनी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस मैप में थी उस लोकेशन की, उतना वो एक्चुअली में अपनी मेंटल इमेजरी में भी लगा रहे थे टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रूफ किया इन्होंने कि हमारी मेंटल इमेजेस भी एक्चुअली में ऐसे काम करती है जैसे हम फिजिकली वहाँ पे जा रहे हो। मेंटल इमेजरी का एवरीडे यूज़ क्या है, हमको क्या यूज़ है इस चीज़ का? इसका यूज़ ये है कि जब हम कहीं पे अपनी कार पार्क करते हैं तो वो जगह हमें याद रखने में हेल्प करता है, या फिर जब हम अपने घर के लिए, अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर लेने जाते हैं तो हम उस चीज़ को, इमेज को अपने अपार्टमेंट में याद करके उस हिसाब से फर्नीचर लेते हैं, मैच करता हुआ साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से ये हमें हेल्प करता है मेंटल इमेजेस। और जब हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम एक बार गए हैं और दोबारा हमें जाना है, तो हमारे माइंड में मेंटल मैप बन जाता है उस जगह का, जिससे हमें उस जगह का रास्ता याद रहता है या धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाता है, और हम ये भी आइडिया लगा पाते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में इस तरीके से काम आती हैं। अब एक चीज़ और रिसर्च करके पता चली थी कि जब मेंटल इमेजेस हमारे माइंड में बनती हैं, हम उनको एक्चुअली रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट इन द सेंस कि आप उसको आगे पीछे घुमा के अपने माइंड में उस इमेज को देख सकते हो। जैसे सपोज
आपको अब यहाँ पे जो स्टडी हुई है वो एक फ्रॉग के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे जैसे लोगों से पूछा कि एक फ्रॉग है समझ लो आपके हाथ में, तो आप देख के बताओ उसके आगे लिप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इमेजिन करो कि आपने एक फ्रॉग हाथ में लिया हुआ है, तो उसके लिप्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद आप देखो कि क्या उसकी पीछे टेल है कि नहीं है। तो वो अपने माइंड में उस इमेज को, फ्रॉग की इमेज को टर्न करके देख रहे थे। पहले उन्होंने उसकी फेस को इमेजिन किया और लिप्स के ऊपर फोकस करके कोशिश करी इमेजिन करने की कि लिप्स होते हैं कि नहीं। फिर उसने उस इमेज को अपने माइंड में रोटेट करके बैक साइड पे देखा। तो जैसे सपोज आपके हाथ में एक्चुअली में कोई फ्रॉग रखा हुआ और आप उसको घुमा के चेक कर रहे हो पीछे टेल है या नहीं, ऐसे ही वो अपने माइंड में उस इमेज को घुमा रहे थे। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपके घर में वो जो सोफा पड़ा है उसका आगे की साइड कैसा प्रिंट है, पीछे कैसा प्रिंट है, तो आप एक्चुअली में उसके आगे पीछे अपने माइंड में उसको रोटेट करोगे सोफे को। तो इस तरीके से हम अपनी मेंटल इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे हम एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ यहाँ पे नोट की थी कि कैसे हम अपने माइंड में चीज़ों को घुमाते हैं। फिर अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन सा ब्रेन का ऐसा एरिया है जो उस टाइम एक्टिवेट होता है जब हम मेंटल इमेज देखते हैं। क्या वो सेम है जब हम विजुअल इमेज देखते हैं, जब हम एक्चुअल में कोई चीज़ देख रहे हैं, क्या वो वही एरियाज हैं जो हमें दिखाते हैं जब हम माइंड में देखते हैं। तो जब एक्चुअल इमेज हम देख रहे हैं, सपोज आप एक्चुअली में अभी देख रहे हो बुक की तरफ, तो उस टाइम आपकी आईज से इंफॉर्मेशन होते हुए विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएगी और विजुअल कॉर्टेक्स से पीछे ऑसिपिटल लोब पे जाएगी, बैक साइड पे ब्रेन के, जहाँ पे आपकी वो इमेज बनेगी बुक की। लेकिन जब आप मेंटल इमेज देख रहे हो तो क्या होगा, एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विथ स्टोर्ड नॉलेज। तो जो कॉर्टेक्स के एरिया हैं जहाँ पे नॉलेज ऑलरेडी स्टोर्ड है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके विजुअल कॉर्टेक्स पे, और विजुअल कॉर्टेक्स में आपकी इमेज बनेगी, माइंड्स की आई बोलेंगे जिसको। तो ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, इमेज बाहर से नहीं आ रही है, आपकी आंखों से नहीं आ रही है। एक्चुअल इमेज जब हम देखते हैं तो आंखों से ट्रेवल करके इन्फॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स पे जाती है, लेकिन जब हम मेंटल इमेज बना रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर ही जो स्टोर्ड नॉलेज है उस एरिया से निकल कर इन्फॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स तक जा रही है, जहाँ पे इमेज बन रही है उस एरिया को बोलते हैं माइंड्स आई। क्योंकि आप उस टाइम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप अपने माइंड की आंखों से अंदर ही अंदर उस इमेज को देख रहे हो। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था कि कौन सी ब्रेन के कौन से पार्ट एक्टिवेटेड होते हैं जब हम दोनों टाइप की अलग अलग इमेजेस देख रहे होते हैं। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से ये fMRI करके जो पिक्चर्स जो होती है ब्रेन की, इस तरीके से देखी थी कि कौन से पार्ट्स हैं जो फंक्शनल है। तो ड्यूरिंग बोथ टाइप, दोनों टाइप के जो टास्क थे, एक्चुअल देखने वाले और मेंटली देखने वाले, तो उसमें कौन कौन से ब्रेन के एरियाज एक्टिवेटेड थे। एक तो फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड था जो कॉग्निटिव के लिए जाना जाता है, जो हमारा ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट है वो कॉग्निशन वाले काम करता है, जो वो एक्टिव था। टेम्पोरल लोब एक्टिव थे, टेम्पोरल हमने मेमोरी में पढ़ा है कि टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी में और फ्रंटल भी होता है, तो ये दोनों एक्टिव थे। और पेराइटल लोब जो हमारे ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट है, पेराइटल लोब सबसे टॉप वाला, जहाँ पे अटेंशन और मेमोरी, स्पेशियल मेमोरी होती है, स्पेशियल मतलब स्पेस की, जगहों की, और ऑसिपिटल लोब जहाँ पे विजुअल प्रोसेसिंग होती है। तो कहने का मतलब है चारों ही लोब्स काम करते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं जब हम इमेजेस को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने मेमोरी में भी बात की थी जब हमने वो नेटवर्क के बारे में बात की थी आपकी मेमोरी के अंदर, अगर आपको याद हो तो। मैं इस फोटो की बात कर रही हूँ, मैंने एक बार फिर से आपके सामने ये फोटो कर दी है जो हमने पढ़ी थी मेमोरी में। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे, हमने पढ़ा था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में बन जाते हैं जिसके बेस पे हम चीज़ों के बारे में पहचानना शुरू करते हैं, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम जानना शुरू करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट की बात वो वहाँ पे भी कर रहा है, तो मैं वापस चलती हूँ एक बारी। हाँ, तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स आर आइडियाज़ दैट रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इवेंट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, एक्टिविटीज भी हो सकती हैं।
पीपल यूज कॉन्सेप्ट टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट ऑल दी स्पेसिफिक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, वेन अ पर्सन कैन थिंक अबाउट फ्रूट विदाउट थिंकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ फ्रूट देयर इज इन द वर्ल्ड विच वुड टेक फार मोर एफर्ट एंड टाइम. तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी फ्रूट का बना हुआ है, तो जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो हमें उसके फीचर्स और हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहचानने में कि फ्रूट क्या होता है, और हमें हर एक फ्रूट के बारे में सोचना नहीं पड़ता है. फ्रूट सुनते ही हमें सडनली ध्यान आ जाता है कि फ्रूट होता है क्या है. तो फ्रूट एक कैटेगरी है किसी एक ऑब्जेक्ट की, और वो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन के स्टोर्ड है. और उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि फ्रूट खाने की चीज़ होती है, उसमें जूस होता है, वो कलरफुल होते हैं. तो इस तरीके से उसके फीचर्स हैं जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट के आसपास स्टोर किए हुए हैं. और कॉन्सेप्ट हमारी क्या हेल्प करती है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने, कैटेगराइज करने में हेल्प करती है कि ये फ्रूट है और ये वेजिटेबल है. तो इस तरीके से जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे माइंड में जो हमें हेल्प करते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डालने में. तो जब हम मिलती जुलती चीज़ें देखते हैं तो हम फटाफट से पहचान जाते हैं कि ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहे हैं. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक डॉग है ये वाला और एक ये वाला छोटा सा डॉग है, ठीक है. अब अगर हम यूजुअली डॉग को देखें किसी को, तो हम इसको ज़्यादा जल्दी अच्छे से पहचान लेंगे कि ये डॉग है, क्योंकि हमें पता है कि ये टिपिकली जो डॉग जैसे दिखते हैं वैसा है. लेकिन आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पहचानने में. मैं एक बार आपको थोड़ी सी फ़ोटो और इधर साइड में करके दिखा देती हूँ. अब आप इस फोटो को क्लियरली देख पा रहे हो, तो इसको जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, हो सकता है एक आध सेकेंड लग जाए, लेकिन देख के फिर भी आप ये ज़रूर पहचान लोगे कि ये डॉग एटलीस्ट कैट नहीं है या फिर कोई और एनिमल नहीं है. तो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलती जुलती जब हम चीज़ देखते हैं तो जो थोड़ी सी अलग होती है लेकिन उसके फीचर्स फिर भी थोड़े बहुत सिमिलर हमें दिखते हैं, तो हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पाते हैं, हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि अच्छा जो हमारे कॉन्सेप्ट में सेव है ये वही चीज़ है. तो यहाँ पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें. कॉन्सेप्ट में इसमें लिखा है कि कॉन्सेप्ट नॉट ओनली कंटेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स पीपल वॉन्ट टू थिंक अबाउट, बट दे ऑल्सो अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स इवेंट दैट मे फिट द कॉन्सेप्ट. तो खाली ऐसे नहीं है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसी को पहचानना, नई चीज़ भी जब हम देखते हैं तो उसको भी हम कॉन्सेप्ट से रिलेट करके पहचान पाते हैं. जैसे यहाँ पे डॉग का एग्जांपल दिया है, और फर्दर अगर आप कोई और भी डॉग देखते हो जो डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे डॉग की ब्रीड्स हैं, आप जब भी कोई भी अलग ब्रीड देखते हो तो आप झट से पहचान देते हो कि ये डॉग है. तो आपके कॉन्सेप्ट क्योंकि बना हुआ है कि डॉग हम किस किस को कहेंगे, तो इस तरीके से ये चीज़ हमारे को वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, क्योंकि हम चीज़ों को पहचान पाते हैं इसकी हेल्प से, कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से. कॉन्सेप्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक तो जनरल, जैसे जनरल फॉर्म होती है किसी चीज़ की, जैसे फ्रूट एक जनरल कैटेगरी है, तो वो हो गया सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. उसमें भी अगर स्पेसिफिक में जाओ कौन सा फ्रूट, तो वो हो गया एप्पल या ऑरेंज या बनाना, तो वो हो गए बेसिक लेवल टाइप कॉन्सेप्ट. और अगर उसके अंदर भी आप ये पूछो कि कौन सा वाला एप्पल, जैसे एप्पल के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, तो यहाँ जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया ग्रैनी स्मिथ एप्पल, जो एक पर्टिकुलर फार्म से आता है, ग्रैनी स्मिथ फार्म से आता है. तो अब स्पेसिफिक में भी अगर मोस्ट स्पेसिफिक में जाओ तो वो हो जाता है सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. तो जनरल हो गया सुपरऑर्डिनेट, उसके अंदर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो बेसिक लेवल, और उसके अंदर और ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक हो जाए तो सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट. फिर कॉन्सेप्ट के दो टाइप्स और एक टाइप और बताया इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल कॉन्सेप्ट. फॉर्मल कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिनके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिसके फीचर्स में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती है. जैसे डॉग का था कि थोड़ा बहुत हाइट छोटी बड़ी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पहचान के डॉग में डाल देंगे कॉन्सेप्ट में. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आती. अब जैसे स्कूल में जो चीज़ें हम साइंस में या मैथ में सीखते हैं, सपोज स्क्वायर है, जैसे कोई एक स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर क्या चीज़ होती है, हम सबको पता है कि स्क्वायर जो है वो फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर की, और उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए, तो तभी वो स्क्वायर कहे गए.
अगर मान लो हम स्क्वायर की एक आध साइड छोटी बड़ी कर दें तो क्या आप उसको फिर भी स्क्वायर में डालोगे? नहीं डालोगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसके रूल रेगुलेशन बिल्कुल रिजिड है, जिसमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो हम साइंस में सीखते हैं या मैथ में सीखते हैं जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते उनके कॉन्सेप्ट्स में, उनको बोलते हैं फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं, लेकिन लोग अपने एक्सपीरियंस से उनको फॉर्म करते हैं। अब एक्सपीरियंस से कैसे? अब जैसे सपोज एक कॉन्सेप्ट की बात करें, व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? व्हीकल वो होता है जिससे आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हो। अब आपसे कोई व्हीकल पूछे तो आपके मन माइंड में क्या चीज़ आएगी? कार, बस, ट्रेन, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या वो राफ्टिंग करने के लिए जो यूज़ होता है वो व्हीकल में आएगा, तो अब आप क्या सोचोगे? थोड़ा सा कि एकदम वो फिट तो नहीं होता है व्हीकल वाले फॉर्म में, क्योंकि उसमें चार व्हील्स नहीं होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, वो तो एक गेमिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको व्हीकल की कैटेगरी में इसलिए डालोगे क्योंकि वो इधर से उधर जाने के लिए काम आता है। तो ऐसे ही जो चीज़ें नेचुरल होती हैं जिसको हम एक बिल्कुल ही पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन से नहीं यूज़ कर सकते उसको, लेकिन फिर भी हम एक कैटेगरी दे देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कॉन्सेप्ट्स। तो ये थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा एकेडमिकली ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें पहले नहीं पता होती, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे उसको कैटेगराइज कर देते हैं। फिर आते हैं प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप क्या होता है? किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब आपसे कोई बात करे तो पहली इमेज जो आपके माइंड में आएगी उसको सुन के, वो उसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब किसी की चीज़ की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। फ्रूट का नाम सुन के आपके माइंड में पहली इमेज क्या आती है? एप्पल आएगी कि ऑरेंज आएगी या जो भी आएगी, वो प्रोटोटाइप है। जो लोग सदर्न रीजन में रहते हैं जहाँ पे कोकोनट ट्री ज़्यादा होते हैं, हो सकता है उनके माइंड में फ्रूट का प्रोटोटाइप कोकोनट हो। जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं होता है, हो सकता है उनके माइंड में फ्रूट का प्रोटोटाइप बनाना हो। तो ऐसे ही कल्चर के बेस पे या एक्सपोजर के बेस पे ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो भी पहली चीज़ आपके माइंड में आती है किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम सुन के, वो होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में लिखा है कि प्रोटोटाइप डेवलप अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर ऑफ अ पर्सन। तो आपको जो चीज़ ज़्यादा जिससे एक्सपोज होगी आप वही चीज़ एक प्रोटोटाइप बना लोगे। आपने जिस तरह की कार ज़्यादा देखी हुई है अपने एरिया में, आपके माइंड में वही प्रोटोटाइप बना हुआ है, तो जब भी कोई कार बोलेगा तो आपके माइंड में उन वही इमेजेस आएंगी। अगर कहीं और जाओ, क्या पता है वहाँ पे दूसरी टाइप की कार ज़्यादा यूज़ होती हो, अगर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं पे कोई डिफरेंट टाइप की कार्स होती हो, थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश टाइप की, उनके माइंड में वैसा ही प्रोटोटाइप बना हुआ है। तो इसलिए प्रोटोटाइप जो है वो एक्सपोजर के बेस पे बनता है। और कल्चर की भी यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। कल्चर भी वो करता है, मैटर करता है प्रोटोटाइप की फॉर्मेशन में। कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिसके कल्चर में जिस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी वो उसके माइंड में उसी टाइप का प्रोटोटाइप बनेगा किसी भी चीज़ को लेके। तो क्योंकि कल्चर के बेस पे ही तो एक्सपोजर होगा ना, जैसा कल्चर होगा वैसा ही एक्सपोजर होगा। तो इसलिए कल्चर और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है जब भी हमारे माइंड में कोई चीज़ का प्रोटोटाइप बनता है। और प्रोटोटाइप क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो आपके माइंड में जो पहली पिक्चर आती है उसका नाम सुन के वो प्रोटोटाइप होता है। इन्होंने लिस्ट दी हुई है। अब व्हीकल का नाम सुन के सबसे ज़्यादा माइंड में लोगों के कार आता है, फिर आती है बस, फिर ट्रेन, फिर बाइसिकल, फिर एयरप्लेन, फिर बोट, व्हीलचेयर। मतलब ये ऐसे दिया हुआ है सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, कि कोई भी अगर व्हीकल कॉन्सेप्ट है व्हीकल, तो व्हीकल बोलेगा तो उसके माइंड में प्रोटोटाइप जो सबसे ज़्यादा आएंगे वो यहाँ से शुरू है, और नीचे जाते जाते ये वो चीज़ें हैं जो सबसे कम किसी के माइंड में आएंगी, जैसे स्केट्स या एलिवेटर तो आएगा ही नहीं ना। ऐसे फ्रूट का नाम ले तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड में ऑरेंज आता है, फिर एप्पल, पीच, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी,
और टमाटो ऑलिव तो बहुत कम आते हैं। तो ये प्रोटोटाइप है जो मोस्ट टिपिकल से लेके लीस्ट टिपिकल। फिर यहाँ पे स्कीमा की भी इन्होंने बात की हुई है। कॉन्सेप्ट्स आर दी वन वे ऑफ पीपल डील विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट बोम्बार्ड्स देयर सेंसेस एवरी डे, अलाउज देम टू ऑर्गेनाइज द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में, तो हमारे माइंड में एक चीज बनती है, उसको बोलते हैं स्कीमा। दिस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ स्कीमास, मेंटल जर्नलाइजेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, प्लेसेस, इवेंट्स एंड पीपल। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, स्कीमा बनाते हैं। जैसे आपके आपके माइंड में अगर आपको कोई बोलता है कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का नाम सुन के आपके माइंड में बुक्स आती हैं, एक रूम आता है बहुत बड़ा, टेबल है बड़े बड़े, लोग बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये स्कीमा बना हुआ है आपके माइंड में लाइब्रेरी के नाम से, और उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी कॉन्सेप्ट्स मिला के एक लाइब्रेरी का स्कीमा बना रही है आपके माइंड में। तो स्कीमा क्या है, जब हम एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं चीज़ों की, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपनी नॉलेज को बना वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऐसे ही एक चीज़ होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो वो वाली स्कीमा होते हैं जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज स्टोर करते हैं। जैसे कोई रेसिपी आपके माइंड में स्टोर है कुछ बनाने की, तो वो रेसिपी जब आपके माइंड में आप सोचते हो कि अच्छा पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो ये ऐसे बनेगा, तो वो रेसिपी जो है वो स्क्रिप्ट है, वो स्कीमा है, लेकिन उसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि गोइंग टू अ मूवी अगर कोई बोलता है, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आता है कि पहले वहाँ जाएंगे, टिकट लेंगे, स्नैक्स लेंगे और फिर जाके थिएटर में बैठेंगे। तो ये स्क्रिप्ट पूरी बनी हुई है कि किस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। तो स्कीमाज इस तरीके से हमारे माइंड में बनते हैं, कॉन्सेप्ट से स्कीमाज बनते हैं। और ये स्कीमा जो होते हैं ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यही स्कीमाज हैं जो हमें प्रॉब्लम डे टू डे रूटीन में, जो हमारी एवरीडे सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं यहाँ नहीं इसको शुरू करूँगी अभी, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।